जो एक फेडरल स्ट्रक्चर हमें हमारे पुरखे सौंप गए थे कृपा पूर्वक उसमें सेंध मत मारिए। सेंध क्या, आप तो उसको आपने पूरा का पूरा खत्म करके रख दिया। सर क्या करेंगे ना कि आप पार्लियामेंट से इस एक्ट को पास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बदलाव आप नोटिफिकेशन से कर लेंगे तो एक पार्लियामेंट का भी एक जो पावर है आप उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। वो कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही मैं। सर इससे थोड़ा बाज आना चाहिए, ये मायावाद जो है ना ये मायावाद में तब्दील हो जाता है। अपनी बात शुरू करने से पहले, चूंकि हमारे कुछ सांसद निलंबित हैं, तो कल से मुझे एक ख्याल आया जो आपके माध्यम से मैं चाहता हूं। मेरी बात सुनेगा तो आपको बुरी नहीं लगेगी, आप सुन लीजिए। तो सर मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं। कैबिनेट फॉर्मेशन तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है, कोई हम दखल नहीं चाहते, हम चाहते भी नहीं। लेकिन सर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का चयन होना तो वेटिंग अपोजिशन से होनी चाहिए। अपोजिशन क्या कोई भूमिका हो तो मैं समझता हूं इस तरह का ब्लॉकेड, ये डिसरप्शन नहीं होगा, आधी चीजें एक मुस्कुराहट में खत्म हो जाएंगी, और वैसे मुस्कुराने वाले लोग वहां बहुत हैं। खैर एनीवे सर, हाँ आई एम जस्ट वांटिंग टू बिगिन सम ऑफ माय ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर। आई रिप्रेजेंट द सेंटिमेंट, आई विश टू रिप्रेजेंट द सेंटिमेंट ऑफ पीपल ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड ओडिशा। I know there are serious issues, there are serious concerns, and we cannot actually put all those concerns under the carpet that the Union of India has decided to frame a law, because one fine morning they saw a dream that a law has to be formed. So now when I look at some of the legislations, and I have seen enough in this government, always there is a temptation in them, in their behavior, to encroach upon state subjects. Probably they forget that they are not going to remain there forever. Agar aap hi ke president ki baat main aanu, former president ki, unhone bhi 50 saal ki ceiling rakhi thi, lekin 51ve saal mein badlav to hoga, prakriti ka niyam hai. To jo ek federal structure hame hamare purkhe saup gaye the kripa purvak, उसमें सेंध मत मारिए। सेंध क्या, आप तो उसको आपने पूरा का पूरा खत्म करके रख दिया। ये सर सबके लिए है, सबके लिए है, उन्होंने किया, आप उसको आगे बढ़ा रहे। मनोज जी आपको उनको जवाब देना नहीं है, आप डैम सेफ्टी पर बोले। सर शुक्रिया सर, मैं ये कहना चाह रहा था, इफ यू लुक एट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इन दिस केस, मेनी ऑफ माई कोलीग्स हैव स्पोकन अबाउट इट, व्हाई एंटर इन अ रेल्म, इन एन एरिया where you are not empowered, constitutionally you are not empowered. You could have done it, 252 में आपको जो स्टेट कहते हैं अपने उनकी बात मान लो ना। मैं इसलिए शुरू में ही मैंने कहा कि हम तो एक ऐसे राज्य से आते हैं सर, माननीय मंत्री महोदय इसमें व्यवस्था करिए, हमारे यहां बांध को चूहे खा जाते हैं, तो चूहों के लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अंदर सर वो चूहे अद्भुत हैं, वो शराब भी पी जाते हैं लाखों लीटर। सर आई एज आई सेड अर्लियर, इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, बट आई एम शॉक्ड बट नॉट सरप्राइज्ड। द सेकेंड इज द आर्बिट्ररी पावर टू चेंज फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी, चाहे सर वो एनसीडीएस हो या एनडीएसए हो। सर क्या करेंगे ना कि आप पार्लियामेंट से इस एक्ट को पास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बदलाव आप नोटिफिकेशन से कर लेंगे तो एक पार्लियामेंट का भी एक जो पावर है आप उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, उसको एक तरह से गैर प्रासंगिक कर रहे हैं। सर 75वां ये समझता हूं कि हमारा अमृत महोत्सव है जो हम मना रहे हैं, 75वें अमृत महोत्सव में हमें मानदंड ऊंचे करने होंगे। निचले मानदंड के साथ हम कौन से मुंह से 75वां आजादी का महोत्सव मना रहे हैं महोदय। सर यहां एक पंचतंत्र की छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि तीन वालों को आपने 13 मिनट दिया आज, मैंने देखा न 3 में न 13 में। सर हुआ यूं कि एक बिच्छू नदी किनारे बैठा था, एक मेढक आया, बोला तुम इतने उदास क्यों हो? तो बिच्छू ने कहा कि मुझे नदी पार करना है मेरे दोस्त। तो मेढक ने कहा कि तुमने दोस्त कहा है तो मैं तुम्हें पार कराऊंगा, चिंता की बात नहीं है। तो धारा में चले गए, मेढक ने अपनी पीठ पे बिच्छू को बिठाया, आधे रास्ते में बिच्छू ने डंक मार दिया। तो मेढक ने कहा यार तुमने तो दोस्त कहा था,
तुमने डंक क्यों मारा? बोला दोस्ती अपनी जगह लेकिन डंक मारना मेरी फितरत है। सर मैं इसलिए कर रहा हूं, पंचतंत्र की कहानी है, मेरी कहानी नहीं है, पंचतंत्र की है। अब वो मेढक बाकायदा उनको ले गए उस किनारे की, नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन कृषि बिल मुझे कुछ और कहता है और मैं देख रहा हूं कि कृषि बिल का जो हादसा हुआ कहीं बाकी चीजें उसी दिशा में ना जाए। एक और महत्वपूर्ण है सर, डुअल और रादर डूबियस रोल ऑफ सीडब्ल्यूसी। आप पॉलिसी मेकर को ही रेगुलेटर भी बना रहे हो, ये क्लियर केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सर। वी शुड अवॉइड दीज काइंड ऑफ एनोमलीज। आई कैन एडवाइस ऑनरेबल मिनिस्टर सर, सर ये पॉसिबल चीज दैट अ पॉलिसी मेकर कैन नॉट बी रेगुलेटर। बने हैं एल ए इस मुद्दे भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किसे मुंसिफी चाहे। आई मीन यू मस्ट लुक एट दीज इश्यूज। मेंबर्स के नॉमिनेशन के बारे में कहा, सर आप तो बहुत बड़ी पार्टी हो, 303 है सर, आपको क्यों अपने लोगों को हर जगह भरना होता? राज्यों के मतलब राज्य नाम की इकाई का कोई महत्व ही नहीं है। वो कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही मैं। सर इससे थोड़ा बाज आना चाहिए, ये मायवाद जो है ना ये मायवाद में तब्दील हो जाता है थोड़ा। मैं समझता हूं कि हर के लिए है। अच्छा आगे एक मंत्री महोदय, स्ट्रक्चरल सेफ्टी पे बहुत फोकस है सर, विच इज गुड इफ आई लीव असाइड एवरीथिंग, बट ऑपरेशनल सेफ्टी, हमारे यहां ज्यादातर जो डिजास्टर हुए हैं वो ऑपरेशनल सेफ्टी मैकेनिज्म की चूक के कारण, उसकी इनएडिक्वेसीज के कारण हुए हैं। हैव वी डन एनी काइंड ऑफ ड्यू डिलीजेंस ऑन दैट? एक मंत्री महोदय, एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की जब आप बात करते हैं, इंडिपेंडेंस को संभवतः आपने, मुझे नहीं मिला कि आपने एक्ट में कहीं भी डिफाइन किया। ये अद्भुत चीज होती है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स। आजकल जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होता है वही इंडिपेंडेंट कहा जाता है। हाँ तो मेरा मानना है कि इंडिपेंडेंट को डिफाइन करिए, राज्यों को स्वायत्तता दीजिए कि राज्य आपके आपके तौर तरीकों से सर चलेंगे ना तो राज्य कुछ दिन में संग्रहालय की विषय वस्तु बन जाएंगे। लोग कहेंगे वंस अपॉन ए टाइम देयर यूज्ड टू बी स्टेट्स इन इंडिया, अब तो सब जगह यूनियन ही यूनियन है सर। सर एक आखिरी टिप्पणी मैं करके अपनी बात खत्म करूंगा कि पार्लियामेंट में जब हम लेजिस्लेशन के लिए आते हैं, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन मानिए सर आपके माध्यम से कह रहा हूं, हम में से किसी को भी स्टेलमेट अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमने ये सीखा है कि विश्व भर में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सत्ता प्रतिष्ठान के दो सकारात्मक कदम आगे लेने से चलती है। जिस दिन दो कदम आप सकारात्मक आगे लेंगे, चार कदम विपक्ष लेगा, विपक्ष करे भी तो क्या, उसे तो आपके लेजिस्लेशन पे अपनी बात रखनी है, उसे आपसे इत्तफाक नहीं रखना है, आपको सलाह देनी है। विपक्ष का काम सर आपकी ऑर्केस्ट्रा में तुर ही बजाना नहीं है। विपक्ष में जब आप थे आप भी किसी को ऑर्केस्ट्रा में तुर ही नहीं बजाते थे, तो हम क्यों बजाएं? बस हम इतना आग्रह करूंगा आपसे, एक बार मान्यताओं को देखते हुए शिवा ने जो प्रपोज किया था इन्होंने, जिसमें मैं भी सिग्नेटरी था, सिलेक्ट कमेटी को भेजिए ना, सिर्फ प्लीज सेंड इट टू सिलेक्ट कमेटी। इसमें ईगो का, सर एक मिनट लूंगा, इसमें ईगो का कोई मसला नहीं है। मैं खत्म कर देता हूं, मान्य आप आदेश करें अभी खत्म कर देता हूं, 30 सेकंड दे दीजिए। मैं कोई ऐसी बात आमतौर पे करता नहीं जो चुभे किसी को, हालांकि चुभने के कारण बहुत हैं, लेकिन उन सब चीज पे कलेजे पे पत्थर रख करके ही बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इन द 75th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, इट्स अ ड्यूटी, इट्स इनकम्बेंट अपॉन ऑल ऑफ अस, वेदर इट इज यू और मी और द चेयर। आपके ठीक सामने सर्वपल्ली राधाकृष्णन है सर, वो आपको देखते हैं, सभापति महोदय को भी देखते हैं, हम सबको देखते हैं। उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट विदाउट डेलिबरेशन इज मीनिंगलेस, हमने क्या बना कर रख दिया। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं, कहीं और से भी कभी शुरुआत हुई होगी, क्योंकि आप बताते हैं फलाने टाइम में तो ऐसे ऐसे बिल पास हो गया, चिलाने टाइम में ऐसे, तो बुरी परंपराओं को क्यों अपना रहे हो? आप तो कह रहे थे कि आप नई लकीर खींचिएगा, तो आप तो पुरानी लकीर के फकीर बने जा रहे हैं। मैं इतना कह करके माननीय समाप्ति, नहीं बस समाप्ति कर, एक सर आप ही के संदर्भ में कह रहा हूं, आपके वहां बैठे रहने सर बड़ा सुकून होता है, और जो 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 मैंने पहले सलाह दी थी, मेरी बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दीजिएगा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर शुड बी वेटेड बाय द अपोजिशन, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जिंदाबाद, जय हिंद। धन्यवाद श्री वाइको जी।
Mr. Vice Chairman, sir. If you like our channel, please subscribe. And to get notifications about news, please click the bell icon.